हर हर महादेव भक्तों, हर हर शंभु। आप कैसे हो सभी शिव भक्तों का वीडियो में स्वागत है। और जैसे कि प्रदीप मिश्रा जी को सभी फॉलो करते हैं, सभी उनको चाहते हैं और बहुत ज़्यादा उनके दीवाने हैं, जैसे करोड़ों लाखों इनको फॉलो करते हैं और कथा के माध्यम यानी कि आस्था चैनल टीवी के माध्यम से इनको सुनते हैं और इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि शिव पुराण कथा में ये सबसे नंबर वन पर हैं। और शिव पुराण कथा जो हमारे बहुत कमी से सुनने मिलती है, जो शिव पुराण कथा हर कोई नहीं करता, लेकिन आप देख सकते हैं प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण कथा में सबसे नंबर वन पर हैं। और अभी बीच में प्रेमानंद महाराज जी और प्रदीप मिश्रा जी को लेकर बहुत सारी चर्चाएँ हो रही थी, जो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो गए थे और बहुत तेज़ी से चर्चाओं में हो गए थे। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी ने क्षमा मांगी, इस चीज़ का एहसास हुआ, क्षमा मांगी। वैसे तो ऐसे कोई शब्द नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर भी क्षमा मांगी, क्योंकि परमपिता परमात्मा आगे झुकना कोई ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि उसके आगे नहीं झुकेंगे तो किसके आगे झुकेंगे। आप देख सकते हैं प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण कथा करते हैं, सबसे नंबर वन पर चल रहे हैं इस वक्त। और शिव पुराण कथा में इतना ही नहीं, जो वो कहते हैं अपने महादेव की कृपा पे के बल पे कहते हैं, जो इतनी सारी पब्लिक आती है, इतना सारा पब्लिक का रिकॉर्ड टूट जाता है। बागेश्वर धाम सरकार की कथा में इसलिए पब्लिक आती क्योंकि वो चमत्कार करते हैं और पर्चा बनाते हैं, लेकिन प्रदीप मिश्रा जी ना कोई चमत्कार करते हैं, ना वो पर्चा बनाते हैं, ना किसी की पोल खोलते हैं, ना दिव्य दरबार लगाते, फिर भी उनके पब्लिक के इससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड टूटा है प्रदीप मिश्रा जी की कथा में। ऐसा क्यों? क्योंकि महादेव की कृपा कहते हैं ना, जिस पर विश्वास हो वो विश्वास कभी नहीं टूटने देता। महादेव की कृपा इस प्रकार है भक्तों पर और प्रदीप मिश्रा जी पर, जो महादेव की कृपा के बल पे बोलते हैं वो सभी भक्तों से, जो कुछ ऐसा आजकल पता है दुनिया में, सभी कोई अपना दुख से परेशान है, कोई अपने कर्ज से परेशान है, कोई अपनी बीमारियों से परेशान है, तो कोई अपनी गृहस्थी खुशियों और धन की वजह से परेशान है। तो आप देख सकते हैं प्रदीप मिश्रा जी कुछ ऐसे व्रत बताते हैं महादेव जी के, और महादेव जी को किस चीज़ से क्रोध आता है, किस चीज़ से वो प्रसन्न होते हैं, कि चीज़ क्या चीज़ उनको प्रिय है, वो हर चीज़ एक एक बार एक एक चीज़ उनको वो समझाते हैं भक्तों को। और वही भक्त अपने महादेव पे विश्वास करके, गुरुदेव के वचनों पे विश्वास करके उन वचनों को पूरा करते हैं, और पूरा करने के बाद महादेव की कृपा प्राप्त होती है सभी भक्तों पर और अपने अपने मुसीबतों से छुटकारा पाते हैं भक्त। आप देख सकते हैं जो प्रदीप मिश्रा जी जो बोलते हैं, और इनके पास बागेश्वर धाम सरकार पर्चे बनाते हैं, लेकिन प्रदीप मिश्रा जी के पास पर्चे खुद बनकर आते हैं, भक्तों की भक्त खुद लिखकर पहुंचाते हैं प्रदीप मिश्रा जी तक, और सभी अपने समस्याओं का हल होता है उसमें, और सभी कुछ बताते हैं अपने बारे में, क्या उनको प्राप्त हुआ, क्या लाभ हुआ, वो कृपा सभी भक्तों को पे बरसे, ये महादेव से प्रार्थना करते हैं प्रदीप मिश्रा जी। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कितना उनके पर्चों का ढेर लग रहा है, कितना ज़्यादा उन पर पब्लिक है, इतनी व्यवस्था की है कथा पंडालों की, फिर भी कम पड़ गई है। इस कदर पब्लिक, इस कदर भक्तों का सैलाब बढ़ा, काफ़ी दूर दूर से भक्त आ रहे हैं इनकी कथा सुनने के लिए, और जो नहीं पहुँच पा रहे हैं विशेष कारणों की वजह से, कुछ मजबूरियों की वजह से, तो आस्था चैनल के माध्यम से लाखों करोड़ों आस्था चैनल से जुड़े हुए हैं टीवी के माध्यम से, और वो वहीं पर अपने घर बैठे अपने कथा का लाभ उठा रहे हैं और कथा सुन रहे हैं। और इतना ही नहीं, प्रदीप मिश्रा जी हाँ, जो कहते हैं एक लोटा जल समस्याओं का हल, अब सावन आ चुका है और हम सभी शिव भक्त शिवरात्रि बहुत ही, यानी कि शिवरात्रि हो, सावन का महीना हो, हमारे लिए सब महादेव का ये बहुत ही धूम धड़ाके से सभी भक्त बनाते हैं, और अधिक अधिक से खुशी होती है और बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होती है। और जैसे देख सकते हैं, अगर महादेव को जो फॉलो कर महादेव को जो मानते हैं, विश्वास करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि प्रदीप मिश्रा जी कुछ ऐसे उपाय बताते हैं महादेव जी को, क्या चीज़ प्रिय है और किस चीज़ से वो प्रसन्न होते हैं, कि क्या चीज़ वो है, तो आप देख सकते हैं। देख सकते हैं भक्तों, कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तेज़ धूप भी है और बरसात का मौसम भी होता है, इतनी भीड़ में अगर ठंडा मौसम हो तो भी गर्मी लगती है भीड़ के कारण। और भीड़ के कारण कुछ ऐसे भक्त भी आते हैं जो बहुत सारे केस बिगड़ जाते हैं, किसी की चेन चोरी हो जाती है, किसी का पर्स चोरी हो जाता है, किसी के पैसे चोरी हो जाते हैं, धक्का मुक्की से गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, और यहाँ तक कि बीमारियाँ होती हैं बहुतों को। तो
ऐसी गर्मी में वो बीमारी भी हमें बहुत परेशान करती हैं। तो देख सकते हैं भक्तों, आप जहाँ भी भीड़ भाड़ में कथा सुनने जाओ, अपने सावधानी रखें, अपने आजू बाजू अपने सावधानी रखें और अपने भाव से कथा सुनें। और देख सकते हैं इतनी भीड़ है, प्रदीप मिश्रा जी तो ना पर्चे बनाते ना कोई चमत्कार करते, महादेव के पे विश्वास कर वो व्रत बता देते हैं, उपाय बता देते हैं। भक्त अपनी श्रद्धा से उन गुरु की वाणी को सुनकर वो उपाय करते हैं और भक्तों के जीवन में खुशियों प्राप्त हो जाती हैं, महादेव की कृपा। कहते हैं परमपिता परमात्मा पर विश्वास रखो, हर काम जो रुका हुआ है, जो मुश्किल में है, सब समाधान हर चीज़ का मिल जाता है। प्रदीप मिश्रा जी बहुत गर्व से कथा व्यास जी से कहते हैं, ललकार कर, कितना भी बड़ा दुख हो, कितनी बड़ी परेशानी हो, अगर भगवान पर विश्वास है, अगर मंत्र का उच्चार करते हो, जाप करते हो, तो ज़रूर वो बीमारी कट जाएगी। और देख सकते हैं प्रदीप मिश्रा जी जो शिव पुराण कथा के माध्यम से सब में फेमस हैं, मशहूर हैं, बहुत बहुत उनको पब्लिक सपोर्ट करती है, बहुत उनको चाहती है। आस्था चैनल से लाखों परिवार उनको सुनता है, करोड़ों परिवार काफ़ी सुधर चुका है आस्था चैनल से जो कथा आती है इनकी। और सिर्फ कथा सुनना ही काफ़ी नहीं होता, वक्त तो अपने जीवन में उतारना, उसको धारण करना भी बहुत ज़रूरी होता है। देख सकते हैं आपकी श्रद्धा जिसमें भी जागती हो, चाहे शिव जी हों, बजरंगबली हों, या राधे कृष्ण भगवान हो, या राम प्रभु हो, या माता रानी हो, जिसमें भी आपकी भावना जागती है, उनको सच्चे हृदय से भक्ति करें, सच्चे हृदय से नाम जप करें और अच्छा कर्म करें और जीवन में प्रभु पे विश्वास रखें। और कभी भी कैसे भी समय आए, पर ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता, गुजर जाता है। आप अपने विश्वास अपने इष्ट पर रखोगे तो एक न दिन अपनी मंजिल ज़रूर पालोगे। कहते हैं ऐसी कोई गली नहीं जहां बालाजी की चली नहीं, एक लोटा जल समस्याओं का हल, देव को देव महादेव हैं। जी हाँ, जो जिसके पूरे ब्रह्मांड रचा है, सब कुछ उन्होंने दीपालन हार है। तो आप देख सकते हैं जो प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, उनके उन पर विश्वास कर भक्तों के जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं। ये इतनी भीड़, इतना कुछ भक्तों का विश्वास है, करोड़ों परिवार, करोड़ों भीड़ उनको सुनती है और अपने गुरु भी बनाए हैं। और देख सकते हैं प्रदीप मिश्रा जी बहुत साधारण स्वभाव में रहते हैं, ज़रा सा भी घमंड अहंकार नहीं मिलेगा किसी कथावाचक में। आप देख सकते हैं प्रदीप मिश्रा जी साधारण वस्त्र और मस्तक पर चंदन और रुद्राक्ष की माला पहने हैं। तो प्रदीप मिश्रा जी को आप फॉलो करते हो, उनको सुनते हो, प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दें और हर हर महादेव लिखना ना भूलें और जय श्री राम लिखना ना भूलें। अगली वीडियो में आपको फिर अपडेट लाएंगे, तब तक जय श्री राधे, हर हर शंभू।